गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई नो कि इस चैनल पे वीडियोस काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अभी मेरी लोकेशन है वो यूके में है। और अभी मैं जो फर्दर वीडियोस बताऊंगा यहाँ के, अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बताऊंगा, ट्रैवलिंग की बताऊंगा, यहाँ के कल्चर की बताऊंगा और अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे आप यूके आते हो, चाहे किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या किसी भी अनदर टाइप कैटेगरी के वीज़े में अगर आप आ रहे हो, तो आपको आते ही यहाँ पे तीन चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं। एक तो अपना BRP कार्ड, सेकेंड अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर, एंड थर्ड आपको एक बैंक अकाउंट में आना होता है। इन सब के अलावा अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि आप अपने रीजनल कंट्री से बनवा के लाओगे, वो भी फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया से अगर आप आते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के, तो यहाँ पे वो एक साल तक वैलिड रहता है, तो आप ये भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो इंटरनेशनल लाइसेंस इज़ ए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन हेयर। अगर आपके आपको गाड़ी लेनी है आते ही और आपको डिलीवरी की जॉब करनी है या आपसे कुछ ऐसा काम करना है या कैब चलानी है, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ये सब स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढना। तो पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलती है, एक एजेंसीज होती हैं यहाँ पे आपके लोकल एरिया में, कोई ना कोई टाउन में एजेंसी होगी, जैसे कि बेस्ट कनेक्शन नाम से काफ़ी फेमस है, कोड एंड पीपल नाम से काफ़ी फेमस है, जो कि आपको वर्क प्रोवाइड करेगी आपका BRP देख के। अब मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट को डर होता है कि वो आएगा तो पार्ट टाइम जॉब उसको कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कितना टाइम लग सकता है। तो मैं आपको कहूँ कि पार्ट टाइम जो जॉब है वो काफ़ी ईजी है मिलना। कई बार आपको परेशानी आ सकती है इसमें ढूंढने के लिए, क्योंकि कई बार हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ईजिली पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, आपके घर के पास ही मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ फुल टाइम जॉब्स की, फुल टाइम जॉब्स कैसी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। जैसे कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट अपनी कॉमर्स में की है, बिजनेस में की है, मास्टर्स में भी आपने MBA वगैरह कुछ ऐसा किया है, तो और आपको उसी की फील्ड की जॉब चाहिए, तो उसमें थोड़ा चैलेंजेबल हो सकता है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी लेकिन आपको उतना ही चैलेंज होगा। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इजीली जब भी आप अपने लिंक्डइन पे, अपने टोटल जॉब्स पे, इंडीड पे, काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं जिस पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, और कंटिन्यूली आप अगर अप्लाई करते रहोगे या कंटिन्यूली अगर आप अपने HR को देखते रहोगे, चेस करते रहोगे और अपडेट देखते रहोगे जिस कंपनीज़ में आपने अप्लाई किया है, तो आपको जॉब वहाँ से ईजिली मिल जाएगी। और अगर आपको फुल टाइम जॉब अपनी फील्ड में नहीं करनी है, तो यहाँ पे काफ़ी जॉब्स हैं। सबसे फेमस जॉब तो यहाँ पे केयर की है, जो कि आपको स्पॉन्सर भी कर देती है, और वेयर हाउस असिस्टेंट, वेयर हाउस ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, और रेस्टोरेंट में भी, टेक अवेज में भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो, जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि आपने पार्ट टाइम ली थी तो वही आपकी फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर एम्प्लॉय को लगेगा कि अगर आप रीजनेबल हो, आप अच्छा काम करते हो, सो दे विल हायर यू इन फुल टाइम। ओवरऑल जो मेरा जॉब्स का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो, वो ओवरऑल मेरा अच्छा रहा है, और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे अपना एक प्रोसेस से चलोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, फुल टाइम नहीं मिल सकती, ये नहीं हो सकता, तो काफ़ी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो जब आप यहाँ पे आते हो, आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है, एंड देन आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है जो कि आप चाहते हो, जो कि आपके ड्रीम्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी मैं आपको एक लोकेशन बताना चाहता हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये पार्क है, इसका नाम मूर पार्क है। तो ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, मेरा घर उस रोड के क्रॉस करके ही है, तो ये मेरे घर के बिल्कुल सामने है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाना था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मूर पार्क में चलता हूँ और वहाँ से हम वीडियो शूट करेंगे और वहाँ से मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके सामने ज़ाया करूँगा। अब बात करते हैं मेरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और यहाँ की पढ़ाई कैसी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। तो यहाँ की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है और यहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल लूँ तो मेरी फैकल्टीज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जहाँ जहाँ मेरे को प्रॉब्लम आती थी, जहाँ जहाँ मेरे को दिक्कत थी, उन्होंने मेरा सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं 1-to-1 मीटिंग्स में, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ वो काफ़ी बढ़िया रहा है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे साथ बात की है। शुरू में आपको नहीं पता लगता कि आपको कैसे मैनेज करना ये सब कुछ, तो इसके लिए एक यूनिवर्सिटी ने स्पेशल एक डिपार्टमेंट्स बनाए रखे होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल में ही मिल जाएगा, और वहाँ से आप 1-to-1 मीटिंग या कभी इनको मेल कर सकते हो, तो इससे आपको वो अपडेट दे सकते हैं कि हम इस टाइम में अवेलेबल हैं और आप आके हमसे मिल सकते हो और अपनी क्वेरी बता सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम छोटी है तो आपको वो तुरंत ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो उसके लिए वो थोड़ा 24 से 48 घंटे लेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी पक्का सॉल्व होगी। इन सब बात के बाद आती है बात कि यहाँ के लोग कैसे हैं, ब्रिटिशर्स लोग कैसे हैं। सो ब्रिटिशर्स लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं,
और ये अपने अपने काम से ज़्यादा काम रखते हैं, किसी के बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते और कोई बैकवर्डिंग नहीं करते। जैसे हम कहते हैं चुगली करना किसी की, वो वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी कल्चर में इनके यहाँ पे नहीं है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ लगी मेरे को। और यहाँ पे एक बात हो रहा है, यहाँ पे पैनी पैनी का हिसाब रखते हैं लोग। अगर यहाँ पे 99 पेंस की वो चीज़ है और आपने अगर 1 पाउंड दिया उनको, तो आपको 1 पेंस जो है वो पक्का वापस मिलेगा। चाहे वो किसी भी शॉप में चले जाओ, चाहे बड़े से बड़े स्टोर में चले जाओ, चाहे छोटी से छोटी दुकान में चले जाओ, आपको ये वाला एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। एक बात और यहाँ के लोगों की बताऊँ तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, चाहे आप स्ट्रेंजर्स हो चाहे आप उनके रिलेटिव हो, वो आपके साथ सेम बिहेव करेंगे। अब बैठ के बात करते हैं, तो अब करते हैं बात यहाँ के वेदर की। और आप ऊपर देख रहे हो अभी भी यहाँ पे मोस्टली क्लोडी है और वैसे तो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो वेदर की बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे 365 डेज होते हैं हमारे एक साल में, तो यहाँ पे सिर्फ 100 दिन धूप निकलती है, 100 दिन यहाँ पे मोस्टली सनी होता है और रेस्ट ऑफ द डेज आपको पार्शली क्लोडी या रेनी या हैवी रेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ का वेदर कुछ खास नहीं लगा मेरे को। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल ही गया, जो कि वेदर के रिगार्डिंग है, कि यहाँ पे जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा विंडी भी रहता है। अभी भी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, जब से मैं आया हूँ यहाँ पे हवा ही चली जा रही है, और ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ के वेदर का। अब करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि रेसिज्म पे है। सो लोग कहते हैं कि काफ़ी रेसिज्म है, आपने कई लोगों को सुना होगा कि रेसिज्म है फॉरेन कंट्रीज़ में, आपके साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करते या आपको थोड़ा डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। पर्सनली अगर अपना बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस जो कि इस वीडियो का मोटिव है, तो मैंने तो कुछ ऐसा फील किया नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कहीं काम पे जा रहे हो और उनको काम अच्छा नहीं लगा, आपको निकाल देते हैं, आप कल से मत आना या आप अभी जा सकते हो, या हम अपने आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं आपसे, तो आपका काम हमें पसंद नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने यही देखा है, क्योंकि एक दो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी ऐसे हो चुके हैं। जैसे पार्ट टाइम में मैं गया था तो वो कह रहे थे कि आप जा सकते हो, हमें आपका काम अच्छा नहीं लगा। तो एक दो बार ऐसे हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ आप सब सारी चीज़ें सीख जाते हो और एबल हो जाते हो सब कुछ करने के लिए, ये भी एक प्रोसेस होता है। तो अब मैं एक और बताता हूँ आपको, जो मेरा वन ऑफ द एक्सपीरियंस है। तो जब भी आप यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में आते हो, आप यहाँ पे अलोन होते हो, आपको ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, आपको ही खाना बनाना है, आपको ही कपड़े धोने हैं, और आपकी और यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनते। तो ये होता है कि अपने इंडिया में होता है कि कितने ज़्यादा दोस्त होते हैं हमारे, हम किसी से भी सपोर्ट ले सकते हैं। इंडिया में हॉस्टल में रहते हैं तो सारे कितना सपोर्ट मिलता है हमको हॉस्टल से, सारे बच्चे हमारी हेल्प करते हैं या हमको ईज़िली हेल्प मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। तो ये एक वन ऑफ द चैलेंज होता है कि आपको सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़नी है। यूनिवर्सिटी भी जाना है, पार्ट टाइम भी जाना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, उन सबके अलावा और भी कितने काम होते हैं, बाज़ार जाना, ग्रोसरी लेके आना, पैसे का हिसाब रखना, इसके अलावा भी आपको काफ़ी काम मिल सकते हैं। और जो कि यहाँ पे एक रियलिटी है और ये यहाँ पे एक कड़वा सच है कि आपको यहाँ पे सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, आपकी यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी आपको थोड़ी हेल्प कर देगी, थोड़ा वैसे प्रॉब्लम है तो दोस्त मिल जाएंगे आपको, बट आपको जो कोर चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप यहाँ पे होते हो तो आपको अपने पेरेंट्स की याद आती है, अपने रिलेटिव्स की याद आती है, अपने दोस्तों की याद आती है, और इस बीच आप डाउन फील भी करते हो, और ऑब्वियसली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। और आपको ये पक्का होगा जब भी आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपने कभी भी घर से दूर नहीं रहे हो, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा चैलेंज इसमें भी आ सकता है, आप थोड़ा लो फील कर सकते हो और आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो देख के आपको ये पता चल गया होगा कि इस चैनल पे आप क्या चीज़ें देखोगे, एंड आई होप कि आप एक्साइटेड हो फर्दर वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा आपको यूके की लाइफ स्टाइल, यहाँ की फेमस डेस्टिनेशन, यहाँ का कल्चर काफ़ी करीबी से जानेंगे, और मेरी फर्दर वीडियो सारी उसी पर ही आएंगी अब। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। तब तक के लिए आप जहाँ पे भी हो, टेक केयर योर सेल्फ, क्योंकि कोरोना वायरस का भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चल रही है। यहाँ पे यूके में भी तो कोई बड़ा अपडेट यहाँ पे आया नहीं, लेकिन कोई भी अगर ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको पक्का शेयर करूँगा सपोर्टिंग पॉइंट्स के साथ। तो तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़।